हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, और वो ये है कि हमारी प्यारी सोनिया आंटी और केविन चाचा ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो टोबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड को लेकर एक और स्पाइडरवर्स मूवी बनाएंगे। अब यार देखो, अभी तक दोनों प्रोडक्शन हाउसेस ने पब्लिकली तो इस बात का जिक्र नहीं किया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने इस बात की कंफर्मेशन दी है। और उन लोगों का ये कहना है कि 2025 तक, यानी कि आज से सिर्फ 3 साल बाद ही ये तीनों दोबारा से एक साथ आने वाले हैं, और इस बार जो मूवी आएगी वो उन तीनों की मूवी होगी। मतलब कि यार, स्पाइडरमैन नो वे होम में भी तीनों स्पाइडरमैन तो थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उसको टॉम हॉलैंड की मूवी ही कंसीडर करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो स्पाइडरवर्स की मूवी आने वाली है उसमें इन तीनों सुपरस्टार्स का बराबरी का रोल होगा। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह भी उठता है कि अगर सच में 2025 तक तीनों स्पाइडरमैन दोबारा से दिखने वाले हैं, तो उसके लिए सोनिया आंटी और केविन चाचा के पास ज्यादा टाइम तो नहीं है। मतलब कि यार चलो, अच्छा है कि तीनों स्पाइडरमैन को आप लोग वापस लाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए कुछ प्लॉट तो सेटअप करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि कुछ भी दिखाने से तो उनका काम बनने नहीं वाला। तो फिर आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो पाएगी? तो दोस्तों, यहाँ मेरी एक छोटी सी थियरी है कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर ही स्पाइडरवर्स को सेटअप कर दिया जाएगा, क्योंकि यार कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग तीनों स्पाइडरमैन इस मूवी में भी अपना कैमियो देने वाले हैं, जिसमें से फिलहाल कंफर्मेशन तो बस टोबी मैग्वायर की ही है। एंड दोस्तों, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे मैं ये कंफर्म कर सकूं कि टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड भी डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में होने वाले हैं। और इसलिए फिलहाल तो मैं बस टोबी मैग्वायर की कंफर्मेशन ही दे सकता हूँ। और दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज के प्लॉट लीक वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि उस मूवी में टोबी मैग्वायर का कितना रोल होगा और उनका क्या रोल होगा। तो इसलिए अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पे है, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो खैर दोस्तों, अभी के सिनेरियोस को देखकर हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टोबी मैग्वायर दिख जाएगा, फिर मॉर्बियस की मूवी में भी एंड्रू गारफील्ड लगभग कंफर्मड ही है, और टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 पे भी काम चल ही रहा है। तो दोस्तों, शायद इन्हीं तीन मूवीज को मिला जुला कर शायद वो लोग एक अच्छा सा प्लॉट डिसाइड कर लेंगे। और यार, यहाँ मैं आप सबको ये भी बता दूं कि सोनिया आंटी और केविन चाचा इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं स्पाइडरवर्स के लिए। तो इसका जवाब है पैसा, क्योंकि यार स्पाइडरमैन नो वे होम ने पैंडेमिक के टाइम पे जो पैसा कमा के उनको दिया है ना, वो इन दोनों प्रोडक्शन हाउसेस ने कभी सोचा भी नहीं था। और उन लोगों को ये बात अच्छे से मालूम है कि अगर एक और मूवी वो लोग स्पाइडरवर्स के ऊपर बना देते हैं तो अगली बार वो लोग इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, जो कि यार सच में होगा ही, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए अब आप लोग खुश हो जाओ, क्योंकि एक और स्पाइडरवर्स मूवी आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आप लोग इन तीनों स्पाइडरमैन को दोबारा से देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।